ये आपकी स्क्रीन के सामने ये रेलवे स्टेशन है, बाड़मेर रेलवे स्टेशन, और ये बाहर का चौक है। गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे, और ये सामने का रोड इधर से और इधर तक का, और अभी ये एक मार्केट है जो इसके बिल्कुल सामने ही है, इसी में आगे चलते हैं। ये सामने की आप रोड देखें, ये स्टेशन का अभी जो मैंने आपको दिखाया, गांधी चौक जहाँ गांधी जी की मूर्ति लगी हुई स्टेशन के बाहर, वहाँ से हमने सीधा एंट्री किया और इस मार्केट में अंदर आए, तो ये इस तरह का मार्केट है। आप देखिए ये सामने, और ये इधर घूमते हुए, ये पूरा मार्केट है, और अभी हमें इसमें अंदर चलना है। ये हमारा होटल है और ये इसका एंट्री है। आइए अंदर चलते हैं और आपको मैं अंदर मैनेजमेंट में जो भी भाई साहब हैं उनसे बात कराता हूँ और रूम भी दिखाता हूँ। आइए अंदर चलें। तो ये अंदर का व्यू, रिसेप्शन का व्यू आपके सामने है। ये सब पूरा हिसाब किताब, और ये भाई साहब दो लोग यहाँ पर हैं अभी। आपका नाम बताएं? मोहम्मद खान भाई। और आपका भैया? गिरधर हेगड़े। तो आप दोनों इसको संभालते हैं ये रिसेप्शन? ये नाइट में मैनेजर है भैया, और दिन के लिए दूसरे आएंगे। अच्छा अच्छा ओके। तो होटल के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, कितने रूम है इसमें? सिक्सटी फोर रूम है। ओके, बहुत बड़ा होटल है। ओके, और उसमें कौन से रूम है? मतलब 20 एसी के हैं, बाकी नॉन एसी हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया। और स्टेशन के बिल्कुल सामने एक मिनट का रास्ता है। हाँ, 100 मिनट पे ही है स्टेशन से। होटल कृष्णा। होटल कृष्णा। ओके, और इसका रेंट क्या, मतलब रूम वाइज हम बात करें तो क्या क्या? हमारे का एसी शुरू होती है 700 से, और नॉन एसी होती है 400 से, और पर मेंबर एक्स्ट्रा 150 रुपये। ओके ओके ओके, तो मतलब रीजनेबल प्राइस यहाँ पर है। और मतलब उसके साथ मतलब क्या है, नाश्ता वगैरह या कुछ वाईफाई कुछ है सर? ये बड़े रूम। अच्छा अच्छा बड़े बड़े रूम हैं, और मतलब साफ सफाई है, अच्छा है। अच्छा, आप भी कर रहे थे? हाँ, ये यहाँ पर ये देखें, ये गैलरी, और यहाँ पे जैसे ये इनका भैया का किचन है, इनका की किचन आप दिखा सकते हैं। ये किचन है जहाँ से हमें चाय वगैरह मिल जाती है, और ये पूरा हिसाब किताब यहाँ का है। ये ऊपर जाने के लिए, और ये यहाँ रिसेप्शन, नीचे आते ही आपको रिसेप्शन मिल जाता है। ये आप देखें पूरा सजा रखा है, ये देखिए डॉल्फिन और क्या क्या लगाया है इन्होंने, लेकिन अच्छा कर रखा है, अच्छी सजावट है, पानी की व्यवस्था है, हर चीज़ है, अच्छा लगा। तो ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमसे बात किया। घर जैसा लगता है। जी जी जी, आएंगे तो आपको घर जैसा लगता है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। रूम है ये, अटैच बाथरूम है, ये आप देखेंगे तो टीवी लगा हुआ है, शीशा है, और कूलर है, और सबसे बड़ी चीज़ आप देखेंगे 24 घंटे आपको चेकआउट का टाइम मिलता है यहाँ पे, जब आप आते हैं वहाँ से 24 घंटे। और ये रूम सर्विस का भी यहाँ पे दे रखा है, और पंखा है, लाइट है, ये पूरी यहाँ पर व्यवस्था है। जैसे मैंने बात किया ना 24 घंटे, ये जब आप आते हैं, जब आपने एंट्री किया वहाँ से 24 घंटे तक आप रुक सकते हैं। लेकिन नॉर्मली होटलों में क्या होता है, आप जब भी आए, लेकिन सुबह 10-11 बजे का चेकआउट का टाइम होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 24 घंटे आप रुक सकते हैं, 24 घंटे के अंदर आपको चेकआउट करना होगा। इस तरह का ये पूरा हिसाब किताब, रूम, बेड, सब ये। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।
तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।